तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। अच्छाई और बुराई तो हर किसी में होती है, पर कभी कभार ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जहां जाने अनजाने में ऐसे गलत काम हो जाते हैं जिसकी वजह से जेल की हवा खानी पड़ती है। इस वीडियो के भाग एक और भाग दो में हमने आपको ऐसे ही कुछ WWE रेसलर्स के बारे में बताया था जिनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो गया। लीजिए पेश है भाग तीन। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। तो देर किस बात की, चलिए खोलते हैं। स्कॉट स्टाइनर। स्कॉट स्टाइनर को WWE के दिग्गज रेसलरों में गिना जाता है, पर ये अपने शॉर्ट टेंपर के लिए विख्यात हैं। साल 1998 में इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। यहाँ इन्होंने अपनी गाड़ी से एक सड़क कार्यकर्ता को उड़ा दिया। वहीं दूसरी बार इन्हें तब गिरफ्तार किया गया जहाँ इन्होंने चिकित्सा में काम करने वाले एक व्यक्ति को जमकर कूटा था। वहीं साल 2005 में इन्होंने एक हवाई जहाज में एक आदमी को झापड़ मार दिया जिस वजह से इन्हें कई बार गिरफ्तार कर लिया गया। स्कॉट हॉल। स्कॉट हॉल ने रेजर रेमन के नाम से खूब प्रसिद्धि पाई, पर इन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे खतरनाक काम किए जिस वजह से इनके जीवन का अधिकांश समय जेल के अंदर बीता। ये वे रेसलर हैं दोस्तों जिन्हें देखकर दूसरे रेसलर थरथर कांपते हैं। आप कहेंगे हम क्या कह रहे हैं, पर आप लोग यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि 1983 में एक नाइट क्लब के बाहर इन्होंने अपनी गन से एक आदमी को उड़ा दिया जिस वजह से घटना स्थल पर ही वह आदमी की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने इन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश किया जहां इन्होंने जज साहब को बताया कि गोली इन्होंने आत्मरक्षा के लिए चलाई थी, अगर यह ऐसा न करते तो वह आदमी इन्हें मार ही डालता। इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी न मिल पाया इस वजह से इन्हें बाइज्जत बरी किया गया। आज के समय में यह काफी सुधर चुके हैं और सज्जन इंसान बन चुके हैं। चाइना। चाइना को रेसलिंग की दुनिया में नौवा अजूबा कहा जाता था। चाइना जैसी महिला रेसलर आज भी WWE के पास नहीं है। चाइना WWE इतिहास की एकमात्र ऐसी महिला रेसलर है दोस्तों जिसने पुरुषों की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमा लिया था। पर कुछ WWE विद्वानों की माने तो WWE छोड़ने के बाद और ट्रिपल एच के दिए हुए धोखे के बाद चाइना का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहा जाता है कि साल 2005 में अपने साथी एक्स पैक और वाल्टमैन के साथ चाइना ने बच्चों के सामने मारपीट की जिस वजह से पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चाइना के जीवन से जुड़े हुए राजों पर हम आपके लिए पहले ही विशेष वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिए। बिग शो। एक समय में बिग शो का वेट 500 पाउंड से भी ज्यादा का था। इन्हें इनके गलत कामों की वजह से कई बार जेल की हवा खानी पड़ गई। साल 1998 के दिसंबर महीने में इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय इन पर एक होटल वाली महिला ने यह आरोप लगाया था कि यह अपने शरीर को गलत तरीके से उन्हें दिखा रहे हैं जिस वजह से इन पर क्रिमिनल केस तो बना पर सबूतों के अभाव में बाद में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। कर्ट एंगल। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कर्ट एंगल WWE के प्रसिद्ध पहलवानों में से एक हैं, पर दुर्भाग्यवश एक समय में इन्हें शराब की बड़ी बुरी लत लग गई थी जिस वजह से यह कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन्हें कई बार नशे में ड्राइविंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया। अच्छाई और बुराई तो हर किसी में होती है दोस्तों, हमें हमेशा अच्छी चीजें ही सीखनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।